देसी ठेका शराब की दुकान में अवैध रूप से बिकती है शराब। घाटमपुर जाजमऊ चौकी क्षेत्र के अंतर्गत बदले सिग्नापुर गांव में सरकारी ठेका देसी शराब का है अवैध रूप से बिकती है दारू। जानकारी के अनुसार बदले सिग्नापुर गांव में बने देसी शराब ठेके में 24 घंटे मिलती है शराब। लोगों ने बताया कि यह सुबह से ही दारू मिलने लगती है। अगर दुकान बंद हो तो गेट में आवाज दो और दुकानदार गेट खुला के शराब देते हैं। दारू लेने वाले व्यक्ति ने बताया कि मिलती तो 70 रुपए की है, लेकिन यह यहाँ पर ब्लैक में भी मिलती है तो 90 से 100 रुपए लेते हैं। इसकी जानकारी क्षेत्रीय चौकी इंचार्ज विपिन कुमार को भी है, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह मौन है। लगातार घाटमपुर में देसी शराब अवैध रूप से बेची जा रही है, लेकिन प्रशासन कोई भी कार्रवाई करने को नहीं करता, जिससे देसी शराब के दुकानदार अपनी मनमानी कर रहे हैं। घाटमपुर से हिमांशु विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। यहाँ बदलेपुर ठेका से। अच्छा, कितने रुपए का मिला है? 90 रुपए का। सियासी गलियारों से लेकर खेल के मैदान तक एंटरटेनमेंट के तड़के से लेकर कारोबार के उतार चढ़ाव तक मंदिरों में बजती घंटियों से लेकर दरगाह की नमाज तक जुर्म के दलदल के हर झूठ का करेंगे पर्दाफाश। यहाँ हर खबरें उगलेंगी, हर कातिल के राज। खबरें नहीं, खबरों का सटीक विश्लेषण क्योंकि आप देख रहे हैं अखंड न्यूज 24।